हाय दोस्तों, आज मैं आपको इस रेलिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप अपने घर पर बिना किसी मिस्त्री के से अपने घर पे खुद बनवा सकते हैं इसको। और ये बहुत आसान होता है और बिना वेल्डिंग के इसको बनाया जाता है। तो ये लगा हुआ है हमारे पास में, एक हॉस्पिटल पर लगा हुआ है। तो इसके बारे में आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ, ये कैसे कैसे पूरा बन रहा था। तो मैंने इसका पूरा वीडियो लिया है, तो आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, लगने के बाद ये इस तरह दिखता है। ये फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब के यहाँ पे था, ये फर्स्ट फ्लोर पे देखिए इस तरह दिख रहा है। ये देखने में बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो आपको कौन सी पाइप कहाँ लगानी है मैं पूरा डिटेल बताता हूँ, तो आप देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, ये वाला पाइप लगिए, ये 3:1 की पाइप है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पिलर जो कास्टिंग हुई है इसके बीच में डाले, जो सरिये दोनों के बीच सेंटर में इसको डाला गया है, ये ईंटे के बीच में डाल के इसको इस तरह बनाया गया है। तो आप इसको पूरा देखेंगे और इसमें कुछ फोटोग्राफ भी मैंने लगाए हुए हैं, आप उस फोटोग्राफ को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे कैसे इसको ज्वाइंट करते हैं। इसमें वेल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसमें सब मिस्त्री लोग अपने हाथ से ही सब कर देते हैं, तो आपका कॉस्ट बहुत बचेगी। और देखिए, फ्रंट में ये था, ये बैक साइड में 2x1 का पाइप लगने वाली है। जो नीचे रखी है वो 2x1 है और इधर के जो लगी थी वो 3x1 है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, ये 3x1 की पाइप है, वो भी JDS कंपनी का। ये JDS की ये भी पाइप है और वो वाले भी पाइप जो है 2x1 की, वो भी JDS कंपनी का। तो आपको मैं बताता हूँ कि 20 फुट की लेंथ है, तो उसमें अगर 2x1 की पाइप लेंगे तो 12 किलो तक की मिलती है, और उसके बाद मिलती है 14 से 16 किलो वाली मिलती है, और उसके बाद 20 किलो वाली भी पाइप मिलती है। उसी तरह 3x1 वाली पाइप में भी आपको 14 से 15 किलो वाली भी मिल सकती है, उसके बाद 18 किलो वाली मिलती है, उसके फिर 20 से 22 किलो वाली भी मिलती है। तो हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग वेट होता है। ये देखिए 2x1 है, इसमें भी पाइप लगने वाली है पूरी, और ये 3x1 वाली जो पाइप है इसमें टोटल 4 पाइप लगने वाली है इस तरह की। देखिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए कैसी लगी हुई है। ये पिलर में कास्ट हो चुका है, ये कास्ट के बाद इस तरह दिखता है। और इस तरह का रेलिंग के बारे में आपको फ़ोटो चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो मैं इस सब की फ़ोटो भी आपको चाहिए दे दूंगा। और भी अगर कुछ फैंसी डिज़ाइन या किसी तरह लेज़र में रेलिंग चाहिए होगी तो मेरे पास सारा अवेलेबल है, कैटलॉग है मेरे पास, जो भी चाहिए होगा आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा। और ये मटेरियल की रहेगी बात कि मटेरियल ये कितने में मिलता है, तो ये सर ये अगर आपके मार्केट के डिपेंड करता है, हमारे यहाँ पर ये 58 रुपीज़ इस समय पर केजी पे चल रहा है। ये आपको मैं इस मंथ का बता रहा हूँ, तो इसलिए देख लीजिएगा, हर जगह ये मटेरियल रेट हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसी पर है। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि ना तो फैब्रिकेशन करने का, और आप मटेरियल डायरेक्ट जहाँ से मटेरियल मिलता है वो दुकान से लाएंगे, तो आपको कॉस्ट बचेगा। आप किसी दूसरी मिस्त्री से मत मंगवाइएगा, नहीं तो वो मिस्त्री अपना चार्ज उसमें जोड़ लेगा। तो देख लीजिए, देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और आपका इसमें बहुत सारे पैसे बच सकते हैं अगर आपको सिंपल सी रेलिंग लगानी हो। और जब भी लगाइए रेलिंग, तो वो आगे वाली रेलिंग जब भी लगाए वो चौड़ी लगाइएगा, मतलब 3:1 की लगाइएगा या 4:1 की मिल रही हो तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन चौड़ी लगाइएगा, देखने में बहुत अच्छी लगती है चौड़ी चीज़। 2x1 भी लगती है, बट वो दूर से देखने में बहुत पतला से दिखता है, तो समझ में नहीं आता कि कितने का लगा, लेकिन 3:1 लगाइएगा तो आपके घर पे लिए अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह का कोई भी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने रेलिंग के डोर के विंडो के वीडियो डाल रहा हूँ। ये नया चैनल है, अभी मेरा चैनल अभी शुरू 1 महीना हुआ है। अगर आपका सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी फोटोग्राफ आपको चाहिए होगा मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा, और मेरा पूरा डिटेल और सब दिया हुआ है। मेरे लास्ट में मेरे वीडियो में मेरा विजिटिंग कार्ड भी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।